हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रेडियो चैम। तो दोस्तों, आज चंद्रयान टू पर अपन बात करने वाले हैं कि क्यों एक आम आदमी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें इसमें दिलचस्पी रखनी चाहिए। वैसे तो चंद्रयान टू मिशन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया 100%। इसका ऑर्बिट जो है अभी तक काम कर रहा है, लेकिन लैंडर से, जो विक्रम लैंडर है, उससे संपर्क टूट चुका है। लेकिन फिर भी आज हर भारतीय को गर्व है कि चंद्रयान टू को लॉन्च करके भारत ने एक बड़ी ऐतिहासिक कदम उठाया था और वैज्ञानिकों ने एक बड़ा टफ, एक कह सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम किया है। और आने वाले टाइम में ऑर्बिटर जो एक साल तक भारत को, इसरो को तस्वीरें भेजेगा और उसके जरिए पता लगाया जा सकेगा कि चंद्रयान टू का जो लैंडर था विक्रम, उससे कैसे संपर्क टूट गया और क्यों वो आगे नहीं बढ़ सका। तो इसके बारे में जो ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है, अब बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए, हर भारतीय के लिए आज गर्व का दिन है और क्यों हमारे लिए मिशन इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो अब तक कभी भी टेक्नोलॉजी में भारत के जो आम लोग थे इतनी रुचि नहीं लेते थे, लेकिन जिस तरह से इसरो अपनी कामयाबी आगे जो बढ़ा रहा है, अपने कदम उसको ले चलते हुए हर भारतीय आज जो गर्व फील कर रहा है, इसी के बारे में अपन जानेंगे चंद्रयान टू के बारे में। वैसे गरीबी की पकड़ जाल में फंसे आम आदमी, जिसने विज्ञान को कभी पढ़ा भी नहीं, ना ही वो रॉकेट, ऑर्बिटर, लैंडर जैसे शब्दों को कभी उसका वास्ता पड़ता है, लेकिन अगर जुड़ा है अपने देश से कि किस तरह से ये अपने लिए काम करते हैं और आम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं, मगर इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब तलाशें, हमें पूछना चाहिए कि जिस देश की संपदा ब्रितानी साम्राज्यवादी ने उलीच ली थी, उस नए देश ने क्यों अंतरिक्ष विज्ञान पर पैसा खर्च करने का फैसला किया था। यानी भारत जो है 200 साल तक गुलाम रहा था, उसके बाद में क्यों अंतरिक्ष विज्ञान पर हमें पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी, जबकि अभी भी कई देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। तो इसका एक तो कई एक सबसे बड़ा तो ये है कि तूफान और इतनी जो आते हैं उनके बारे में भारत को किसी और से अगर चीज़ें लेनी पड़े तो कैसा रहेगा, हमेशा किसी देश पर डिपेंडेंट रहना ये कैसा रहेगा। अब जब अपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस टाइम जब अमेरिका ने तस्वीरें देना, जो है सैटेलाइट इमेजेस देना भारत को बंद कर दिया, मतलब मना कर दिया साफ तौर पर कि हम नहीं शेयर करेंगे आपसे इमेजेस कि कहाँ पर आपका दुश्मन खड़ा है। तो सैटेलाइट इमेजेस जब भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उस टाइम इसराइल ने भारत का साथ दिया था, तो तब ये ज़रूरत पड़ी भारत को कि हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए। एक तो ये बात है, शुरुआती दौर में विक्रम साराभाई और इसरो से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब भारत के वैज्ञानिकों ने ये सोचा था कि हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनकी बायोग्राफी भी मैंने आपको बताई है, जिनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, उन्हें कई बार ऐसे सवालों से दो चार होना पड़ा था, नेताओं से, राजनीति से या फिर जनता के सवालों से, कि आखिर इतने पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं। जैसे कि चंद्रयान टू भी 1000 जो है 1000 डॉलर से भी ज़्यादा जो है इसकी कीमत थी, और अब जो ये सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाया है तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या है, क्या बदल गया है मकसद। स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि भारत के अंतरिक्ष अभियान का मकसद बदल गया है या फिर चांद और अन्य ग्रहों की पड़ताल से मानव और समाज की कौन सी असल समस्याएं हल होने वाली हैं। इन सवालों का जवाब अगर वैज्ञानिक शोध की बुनियादी प्रकृति है, सामान्य तौर पर विज्ञान और खासकर अंतरिक्ष शोध का मतलब है अनछुए क्षेत्रों की पड़ताल करके जानकारी जुटाना, जिससे कि मानव जाति के प्रादुर्भाव यानी कि जो आने वाली चुनौतियां उसके ऊपर पहले से ही काम किया जा सके। अगर अभी बात करते हैं कि एक तूफान आने वाला था, उसका हमें पहले से ही पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से 8 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी। तो इस तरह से आम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ये सब सर्वविदित है कि सारा भाई का आर्थिक रूप से विकसित देशों की नकल करने या फिर उनसे मुकाबला करने के लिए विरोध हुआ था। यानी सारा भाई जो डेवलप कंट्री से जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, उन्हीं की तरह भारत को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन भारत के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उनको मुकाबला करना पड़ा विरोध का। लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं आज हमें कहाँ लेकर आई हैं, इतनी टेक्नोलॉजी से भारत इतना आगे जा रहा है, ये उन्हीं के जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हीं के जो कार्य हैं, उनके इतने प्रयास हैं जिसकी वजह से भारत इतना आगे गया है। इसरो और अपने DRDO ये सब इतने आगे जा रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1960 के दशक में अगर खिलौनों जैसे रॉकेट नहीं बनाए गए होते तो उन्हें केरल के तुम्बा में मौजूद एक चर्च के पास से लॉन्च नहीं किया होता, तो भारत चांद और मंगल पर अभियान भेजने में कभी सक्षम ही नहीं होता।
उन आलोचकों को भला कौन समझ जा पाता है कि एक दिन भारत के अपने उपग्रह होंगे जो समय से पहले चेतावनी लेकर लाखों जिंदगियां बचाने में सक्षम होंगे। ऐसे उपग्रह होंगे जिनसे फसलों और वनों के प्रबंधन और राष्ट्रीय संचार प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऐसा ना होता तो अधिकतर देशों की तरह हम भी अपने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए विकसित देशों की जो उन पर निर्भर रहते हैं। इसरो हो, CSIR हो, चाहे AIIA हो या फिर एटॉमिक एनर्जी और DRDO, पिछले 70 सालों में उन्होंने जो काम किया है भारत के लिए और देश के लिए उसे कोई नहीं भूल सकता है। 1950 और 60 के दशकों में किसी साइंस फिक्शन की पटकथा ही समझा जाता था, यानी मूवीज में ही ऐसा हो सकता था या फिर किसी के इमेजिनेशन में। किसने सोचा था कि चक्रवात को लेकर उपग्रह से मिले आंकड़ों के आधार पर तटीय इलाकों से 8 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर गरीब विकासशील देश, यानी कि सिर्फ भारत के लिए नहीं जैसे आसपास के अपने पड़ोसी देश हैं उनकी भी अपन मदद कर पा रहे हैं। ये है इन टेक्नोलॉजी का फायदा। ये कल्पना से परे था कि एक दिन हमारे पास 1000 TV चैनल्स होंगे, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होता। ये सूची और भी ऐसे कई जो है इनके प्रयास हैं जिससे कि भारत के आम लोगों को, आम जनता को, भारत ही नहीं आसपास के पड़ोसी देशों को भी उसके जो है इनकी मदद मिलती है। फिर से बुनियादी सवाल है कि चंद्रयान 2 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो इसे लेकर हम एक अंतहीन बहस पर उलझ सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इस एक खोज या आविष्कार ने ब्रह्मांड और सौर प्रणाली और इंसानों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। वैज्ञानिक जानकारी ने लगातार हमारे जीवन और सामाजिक संबंधों पर असर डाला है। हालांकि दुनिया में समाज के सहयोग से कोई वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। अब ये चंद्रयान 2 जैसे प्रोजेक्ट पूरे हो जाए तो इन्हें वैज्ञानिक समुदाय रिपोर्ट कार्ड समझा सकता है, क्योंकि इसे पता चलता है कि देश में विज्ञान किस स्तर पर है, किस स्थिति में है। तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि उसके वैज्ञानिकों के जो उनके खुद के पैसे हैं वो वैज्ञानिक उनका क्या कर रहे हैं, और अगर जरूरी हो तो वो इंसान और समाज की असल समस्याओं को हल करने के लिए भी अधिकार रखते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों राष्ट्रीय सम्मान का विषय है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा। दक्षिणी ध्रुव तक आज तक कोई देश नहीं पहुँचा है। और दूसरी चुनौती ये कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडल की जो परिस्थितियाँ हैं पृथ्वी से बहुत अलग है, और जहाँ पर ये लैंडर लैंड करने वाला था वहाँ पर सौर ऊर्जा भी कम पहुँचती है, तो उसको चार्ज होने में भी मतलब कि चार्जेबल बैटरीज जो होती हैं उनको वहाँ पर एनर्जी भी इतनी नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से वो चार्ज होकर इतना अच्छे से काम कर सके। तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ वहाँ पर थी। सॉफ्ट पृथ्वी पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इजी है, जिस तरह से अपने हेलीकॉप्टर हैं, जहाज है, ओवर जो होवरक्राफ्ट हैं, ड्रोन है, सब अच्छे से बिना क्रेश हुए आराम से लैंड कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अपन को पता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको बनाया गया है। लेकिन चंद्रमा का कैसा एनवायरनमेंट होगा दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं जानता था। लेकिन अभी ऑर्बिटर जहाँ से वहाँ से तस्वीरें भेजेगा तब हमें आइडिया लगेगा कि हमें नेक्स्ट टाइम किस तरह से काम करना चाहिए। चांद पर हवा भी नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ काम करती, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए ईंधन की भी ज़रूरत है, और गति बढ़ाने, कम करने और लैंडर को सही जगह पर उतारने की गाइडेड, मतलब कि जो धरातल है वहाँ पर उबड़ खाबड़ धरातल है, कोई समतल धरातल वहाँ पर नहीं है, तो उनको एक अपनी जगह भी तलाशनी होती है कि किस जगह पर उनको लैंड करना है, मतलब लैंडर को कहाँ पर लैंड करना है, ये भी सब कुछ देखना पड़ता है। और साथ में इतनी स्पीड से अगर लैंडिंग होती है तो फिर वो भी एक चुनौती वहाँ पर होती है। इसी प्रक्रिया के लिए बेहद तेजी और सटीकता चाहिए, मतलब कि एक थोड़ी सी भी गलती वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचा सकती है, दिमाग से भटका सकती है। भारत इसे हासिल करने वाला मतलब कि चौथा देश बन सकता था, अभी भी बन पाएगा, हम ये आशा करते हैं। अब है कि दक्षिणी ध्रुव ही क्यों। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव को लैंडिंग के लिए चुने जाने का कारण, दो कारण है। पहला है कि इसमें हमें पता चलेगा कि मिट्टी की बनावट उत्तरी हिस्से जैसी है या नहीं, यानी सब जगह एक जैसी या फिर अलग है, जिसे वहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर कई जो है ऐसी मिट्टी वहाँ पर या फिर धातुएं मिल सकती है। दूसरा है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को समझने की दिशा में हमें अहम जानकारी मिलेगी, और हम जान पाएंगे कि इस क्षेत्र में पानी है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा है किरणें कम पड़ती है दक्षिणी ध्रुव पे, इस वजह से वहाँ पर पानी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब लंबे समय से एक परेशानी है वैज्ञानिकों के लिए कि चांद पर पानी है या नहीं, अगर है तो वहाँ पर बस्तियाँ बसाने का रास्ता खुल सकता है, और अंतरिक्ष के आगे की खोज अभियानों के लिए सस्ते लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर बस्तियां बनाकर वहीं पर एस्ट्रोनॉट रहकर काम कर पाएंगे। हमें चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पानी का एक संग्रहण भी मिलता है तो इन फ्यूचर, तो इससे चांद के बारे में हमारी पूर्ण धारणा बदल जाएगी, और चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट एक बदलाव का भी
स्पष्ट संकेत है कि अब इसरो का फोकस अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक पर महारत हासिल करना है, मगर अब इसरो अपनी चार दीवारी से बड़ी संख्या में संस्थानों जिसमें विश्वविद्यालय आदि को शामिल कर चुका है, स्टूडेंट्स को इन्वाइट करता है ताकि वो अपने सुझाव दे सके, अपने आगे टेक्नोलॉजी में काम कर सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी इन सब चीज़ों को समझ सके। तो इसलिए अपने लिए प्रोजेक्ट टू, जो चंद्रयान टू प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो है कह सकते हैं कि लैंडिंग, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है सक्सेसफुल, अभी इसका कोई मतलब कि कनेक्शन इसका टूट चुका है कम्युनिकेशन उसके साथ में, इसरो के साथ, चंद्रयान टू का लैंडर के साथ, तो अभी इसकी कोई तस्वीरें नहीं मिल पा रही। लेकिन ऑर्बिटर जो है अभी भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कुछ तस्वीरें ज़रूर मिलेगी। यानी अभी इसको कह सकते हैं कि 5% जो है असफल हुआ है, लेकिन अभी भी 95% ये चंद्रयान टू कामयाब होगा। तो ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।